क्या एनिमल मूवी से लॉर्ड बॉबी का कैरेक्टर यानी कि अबरार हक जो कि एकदम बैडास और बवाल कैरेक्टर था हमको आगे एनिमल के यूनिवर्स में देखने को मिल सकता है? क्योंकि एनिमल मूवी में जिसने मेरे को सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया वो था लॉर्ड बॉबी का मूवी में स्क्रीन टाइम। वो मुश्किल से 10 से 15 मिनट के लिए पिक्चर में होंगे, उनका मूवी में एक एक्सटेंडेड कैमियो ही मान सकते हो, जिसमें कि वो एंड में उसको मार भी देते हैं और मारते भी ऐसे हैं कि उसके बचने के भी चांसेस ना के बराबर ही है, जो कि यहाँ पर हम ये भी होप्स नहीं कर सकते कि हमको वो पार्ट 2 में ही देखने को मिल जाएंगे, नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लॉर्ड बॉबी अबरार हक के कैरेक्टर में हमको आगे कभी देखने को ही नहीं मिलेंगे, बल्कि कुछ पॉसिबिलिटीज है जिनमें कि हमको अबरार हक का कैरेक्टर फिर से स्क्रीन पर देखने को मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी जो कि मेरी एक छोटी सी थ्योरी है जिसके सच होने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस मूवी में हमको बॉडी डबल और प्लास्टिक सर्जरी वाले कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर दिए गए हैं। और मे बी हो सकता है कि जो इस मूवी में अबरार हक मरा है वो रियल वाला हो ही ना, बॉडी डबल हो, क्या बोलते हो? हाँ, मेरे को पता है कि ये सुनने में थोड़ा चीप लग रहा है, लेकिन मैं ये थ्योरी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी एनिमल के सक्सेसफुल होने के बाद बॉबी देओल से ऐसे ही कहीं पर पूछा गया कि हम आपको एनिमल पार्क में भी देखना चाहते हैं, तो उन्होंने आंसर में कहा कि आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट रिवील एनीथिंग। और उनके इन शब्दों में कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्ट्री है क्योंकि उन्होंने पार्ट 2 के लिए ना भी नहीं कही है और वैसे हाँ भी नहीं कही है। तो मे भी हो सकता है कि जो इस मूवी में मरा वो बॉडी डबल था और रियल वाला हमको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, अब क्या बोलते हो? या फिर इसके बाद अपनी दूसरी थ्योरी पर आए जो कि इसकी ही एकदम रिवर्स थ्योरी है कि जो इस मूवी में अबरार हक मरा वो तो रियल वाला ही था, लेकिन अगली मूवी में हो सकता है कि हमको उसका बॉडी डबल या फिर प्लास्टिक सर्जरी वाला क्लोन देखने को मिल सकता है, अब यहाँ क्या बोलते हो? जो कि हाँ, ये बात तो है कि अबरार हक का कैरेक्टर तो मर जाएगा, बस लॉर्ड बॉबी दूसरे कैरेक्टर में आ जाएंगे, जो कि मैं वो देखने के लिए भी रेडी हूँ अगर उसको अच्छे से प्रेजेंट किया जाए। क्योंकि जब मूवी में दो अलीन कपूर हो सकते हैं, दो रणबीर कपूर हो सकते हैं, तो दो बॉबी देओल भी तो हो सकते हैं। और इसके बाद अगर हम अपनी दूसरी पॉसिबिलिटी पर आए कि लॉर्ड बॉबी के कैरेक्टर पर एक अलग से स्पिन ऑफ प्रीक्वल मूवी बनाई जाए, क्योंकि एनिमल मूवी में अबरार हक के कैरेक्टर को बहुत पसंद किया जा रहा है, लॉर्ड बॉबी के काम को पसंद किया जा रहा है और ऊपर से उनको मूवी में हमको इतना देखने को नहीं मिला है, तो लोग उनकी मूवी हंसते हंसते देख लेंगे। जिस मूवी में सिर्फ और सिर्फ अबरार हक के कैरेक्टर पर फोकस किया जाएगा, हमको उसकी बैक स्टोरी बताई जाएगी कि आखिर वो गूंगा बहरा हुआ तो हुआ कैसे। वैसे हमको इस मूवी में बताया गया कि उसने अपने अब्बा को जलते हुए देख लिया था, तब से ही वो गूंगा बहरा हो गया था, लेकिन हमको वो देखना है, एक्सपीरियंस करना है कि आखिर वो वहां से यहां तक पहुंचा कैसे, क्योंकि एनिमल मूवी में हमको उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। वो तो बस कैरेक्टर की राइटिंग और एक्टिंग इतनी अच्छी है कि वो लोगों को पसंद आ रहा है, ऑल्दो हमको कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन इतनी भी नहीं है, उसके लिए स्पिन ऑफ तो बनाना बनता है। जैसे कि अगर आप मार्वल की मूवीज देखते होंगे तो आपने एंड गेम में देखा होगा कि ब्लैक विडो मारी जाती है, फिर उसको ट्रिब्यूट देने के लिए एक अलग से स्पिन ऑफ बनाई जाती है ब्लैक विडो पर, चूंकि वो पिक्चर उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन ऐसा ही कुछ अगर संदीप रेड्डी वांगा लॉर्ड बॉबी के कैरेक्टर के साथ करते हैं तो क्यों नहीं चलेगी भाई पिक्चर। साथ ही इस पिक्चर के साथ हमको स्वास्थ्य के स्टील की थोड़ी और भी हिस्ट्री जानने को मिलेगी, तो लॉर्ड बॉबी के कैरेक्टर के वापस आने की जितनी भी थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज थी जो मेरे को लगती थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। इसके बाद आप भी अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, और साथ ही अगर ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना। और हाँ, मैंने एनिमल मूवी की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करते हुए ये वाली वीडियो बना रखी है, जिसको जरूर चेकआउट करना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय।